फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट मैकेनिकल इंजरी, दैट इज कॉल एज इनसाइज वुंड्स। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस द स्टैब वुंड। तो स्टैब वुंड्स नॉर्मली जो हमने आपको वेपन बताया था कि शिंगल एज शार्प और जो पॉइंटेड जो वेपन होते हैं नॉर्मली वो हमारे स्टैब वुंड को कॉज करते हैं। वेपन विल बी सेम हियर ऑल्सो। नॉर्मली स्टैब वुंड में मैंने आपको बताया कि जो स्टैब जो बन रहा था, जो स्टैब जो मार्क हो रहा था, जो स्टैब वुंड जो फॉर्म हो रहा था, डेफिनेटली वो ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन इन टू द बॉडी कैविटी या फिर बॉडी कैविटी में अगर नहीं जा पा रहा था तो डेफिनेटली वो वहाँ पे स्टैब फॉर्म कर रहा था। तो स्टैब वुंड बॉडी कैविटी में पुटिंग या फिर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के टाइम में या फिर बाय थर्स्टिंग दैट वेपन इन टू द बॉडी कैविटी वो स्टैब वुंड फॉर्म हो रहा था। लेकिन उसी सेम वेपन से अभी इंसाइज वुंड होने वाला है, मतलब और यू कैन से मीन अ काइंड ऑफ हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉडी सुपरफिशियली हम क्या करते हैं, इंजरी लेते हैं या फिर इंजरी करते हैं। तो इनसाइज वुंड नॉर्मली ये सुसाइडली होता है और जो हमारा स्टैब वुंड था वो किसी के थ्रू होता है, यानी होमिसाइडल होता है। तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे स्टैब वुंड और इनसाइज वुंड का, तो नॉर्मली मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में स्टैब वुंड विल बी इन आवर होमिसाइडल अटैक और यू कैन से होमिसाइडल पर्पज के लिए यूज़ होता है, और सुसाइडली खुद को अपने को किल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस इनसाइज वुंड्स नॉर्मली। तो रेडियल आर्टरी की कटिंग वगैरह इनसाइज वुंड्स में आती है, मल्टीपल इनसाइज वुंड्स नॉर्मली हमारे ये इनसाइज वुंड्स में यही आते हैं। ओके, सो अ काइंड ऑफ यू कैन सी हियर आपको मल्टीपल इनसाइज वुंड्स आपको फॉर्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अ काइंड ऑफ सुसाइडल पर्पज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इनसाइज वुंड्स ये क्रिएट किए जाते हैं तो नाइफ से या फिर यू कैन से शार्प पॉइंटेड सिंगल पॉइंटेड एज से ये कटिंग आपको दिखाई दे रही है, क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो एंड होती है दोनों कटिंग की ये टेपर्ड होती है, आपको पॉइंटेड यहाँ पे यू कैन से एंड दिखाई देगी, और जो मेन जो डेप्थ होता है ना इस पर्टिकुलर ऊंड का या फिर इस पर्टिकुलर इंजरी का वो मिडल ऑफ दिस यू कैन से ये पर्टिकुलर ऊंड में होता है। ओके, तो वो दोनों साइड में आपको टेपर्ड रहेंगे, दोनों साइड टिप टिप पॉइंट आएगा, बट जो डेप्थ होती है इस पर्टिकुलर ऊंड की दैट विल बी इन आवर सेंटर ऑफ दिस ऊंड। सो इनसाइड वुंड नॉर्मली हम सुसाइडल के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसी के थ्रू भी इनसाइड वुंड हो सकता है। तो अगर सुसाइडली होगा तो डेफिनेटली मल्टीपल नंबर का होगा, जैसे मैंने स्टैब वुंड में बताया था कि अगर मल्टीपल स्टैब वुंड रहता है तो वो सुसाइडली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन दैट सेम वे अगर मल्टीपल इनसाइज वुंड से देन डेफिनेटली इट कॉल एज आवर सुसाइडल पर्पज के लिए। अगर रेडियल आर्टरी की कटिंग वगैरह है तो डेफिनेटली वहाँ पर हम सुसाइडली डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो लेट सी, देखिए अगेन यहाँ पे ये इनसाइज वुंड्स का एग्जांपल है। इनसाइज वुंड्स ऑफ अ नेक विथ अ गैपिंग, यहाँ पे क्लियर कट आपको गैप वगैरह भी विजिबल हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट वेयर वी आर इनसाइड अवर बॉडी पार्ट्स और एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स उसके भी ऊपर डिपेंड होगा, अलॉन्ग विद डैट वेपन कौन सा हम ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। ओके, तो इनसाइड वुंड्स नॉर्मली है क्या, ये देखिए आप एक और देख सकते हो, ड्यूरिंग द सर्जरी व्हाट वी आर मेकिंग दैट इज कॉल्ड द इनसीजन। तो कोई भी पस वगैरह को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनसाइड द पार्ट और इनसाइड द साइट फ्रॉम वेयर वी हैव टू रिमूव द पस। तो इनसीजन एंड ड्रेनेज हम ये नॉर्मली सर्जरी में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो इंसीजन भी वहाँ पे होता है, काइंड ऑफ स्काल्पल से काइंड ऑफ नाइफ वगैरह से वो क्या करते हैं बॉडी कैविटी को इनसाइज करते हैं, मतलब कट करते हैं। ओके, तो काइंड ऑफ से हमारे मेडिकल में भी नॉर्मली इंसीजन वगैरह यूज़ होता है। ये देखिए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रॉमा वगैरह है, अ काइंड ऑफ ड्यूरिंग एंग्री कंडीशन और ड्यूरिंग काइंड ऑफ किसी को बताने के लिए और एंड यू कैन से रिवेंज वगैरह लेने के लिए दूसरे के ऊपर क्रिएट करना, ये भी हो सकता है। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग ट्रॉमा मतलब अपने आप पर खुद उसने किया है ड्यूरिंग एंगर कंडीशन। ओके, ये देखिए रेडियल आर्टरी की कटिंग वगैरह है, रिस्ट इंजरी जो हमारे रहते हैं दैट इज कम अंडर अगेन द इनसाइज वुंड्स। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, दिस वुंड कॉज व्हेन बॉडी टिश्यूज प्रेस बाय द वेपन्स हैविंग शार्प लीनियर और पॉइंटेड एज। ओके, अ वुंड विच ब्लीड्स फ्रीली एंड फेयरली, अ टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी। तो नॉर्मली ये सुपरफिशियली इंजरी आप बोल सकते हो या फिर यू कैन से इतना डेप इंजरी नहीं होती है, बट डेफिनेटली अगर ये इसका यूज़ हुआ तो वहाँ पे आपको डीप कटिंग होती है, अदरवाइज रेडियल आर्टरी हमारी सुपरफिशियल आर्टरी होती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ वन ऑफ द कॉमन पोजिशन वेयर द सुसाइडल पर्पज के लिए रेडियल आर्टरी की कटिंग वगैरह होती है। ओके, तो अ टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी कॉज बाय अ हार्ड और ब्लंट वेपन रिजल्ट इन शार्प लीनियर इंजरी, जिससे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल लीनियर इंजरी था। ओके, मल्टीपल लीनियर पैरेलल इंजरी था, हैविंग अ बोथ एंड इज एट यू कैन से जो दोनों एंड है अपेक्स जो है दोनों टेपर्ड रहते हैं, एंड जो आपको जो डेप्थ होगी या फिर यू कैन से अ काइंड ऑफ जो इंजर्ड जो पार्ट रहेगा, मेन जो हमारा इंजर्ड एरिया रहेगा दैट विल बी ऑन द सेंटर ऑफ दैट लीनियर पार्ट। ओके, तो देर मे समटाइम की पैरालिसिस एज वेल एज ड्यू टू द नर्व इंजरी। तो बीनीज जो हमारे स्किन लेयर में जो नर्व
वगैरह भी जो हमारे स्प्रेड हुए हैं, इफ दे गेट इंजर्ड तो डेफिनेटली पैरालिसिस ऑफ दैट साइड भी हो सकता है विद अ माइल्ड ब्लीडिंग एंड स्कार आफ्टर हीलिंग. ओके, इट हैपन वेन वेपन इज ड्रॉन ओवर द स्किन, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वुंड इज देयर लेंथ रादर देन डेप्थ. ओके, तो लेंथ ज़्यादा होती है रादर देन डेप्थ. ओके, डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है. अ काइंड ऑफ इनसाइज वुंड्स है पैरेलली और यू कैन से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वी आर कटिंग. सो मल्टीपल आपको मिलेगा और जो उसकी लेंथ होगी वो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन डेप्थ जो होती है वो आपको नॉर्मली बहुत ही कम विजिबल होता है. तो कमेंसमेंट ऑफ द वुंड इज यूजुअली डीप, ग्रेजुअली बिकम शालो, यू कैन से शालोवर एंड फाइनली टेलिंग ऑफ टुवर्ड्स द एंड. ओके, तो नॉर्मली जैसे आप इनसाइज वुंड नॉर्मली आपने देखा भी होगा, आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब मैंने आप आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके ऑब्जर्व करो कटिंग वगैरह से, ऐसा नहीं है. नॉर्मली आपने आप थिंक भी कर सकते हो कि देन वी आर कटिंग टू आवर सेल्फ, या फिर कोई नाइफ वगैरह से अगर आप अपने हाथ को अगर सपोज इनसाइड करो तो डेफिनेटली स्टार्टिंग विल बी योर डीप. ओके, और जैसे जैसे हम एंड करेंगे वो शैलोवर होते जाएगा. ओके, यानी कि वो सुपरफिशियली होते जाएगा. तो स्टार्टिंग विल बी डीप एंड देन आफ्टर दैट वो शैलोवर होगा, सुपरफिशियली स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट वो जो यू कैन से टेपर्ड हो जाएगा. ओके, यानी कि टेलिंग हो जाएगी टूवर्ड्स एंड. तो कमेंसमेंट ऑफ द वुंड इज यूजुअली डीप, ग्रेजुअली बिकम शैलोवर, यू कैन से शैलोवर एंड फाइनली टेलिंग ऑफ टूवर्ड्स एंड. ओके, द टेलिंग ऑफ वुंड इंडिकेट्स द साइट ऑफ विदड्रॉवल ऑफ द वेपन फ्रॉम द बॉडी. जैसे मैंने आपको बताया कि टेलिंग जहाँ से हुआ रहेगा, मतलब नॉर्मली आप बताने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा. आप इसको बाकी आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर कोई इनसाइड रूंस अगर हम बॉडी पे ले अगर कट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर काइंड ऑफ जो मैंने आपको टिप बता रहा हूँ मैं. ओके, यानी कि नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अगर सपोज कोई इन माई हैंड अ काइंड ऑफ नाइफ इज देयर. ओके, तो अगर सपोज मैं अपने हाथ को कट करूँगा, सुसाइडली पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इनसाइड रूंस जैसे मैंने आपको बताया, तो सपोज नाइफ से अगर मैं अपने हाथ को कट करूँगा तो डेफिनेटली इनिशियली विल बी डीप, देन आफ्टर डैट शैलोवर होगी, वो डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि डीपनेस जो है वो पर्टिकुलर इंजरी का ज़्यादा नहीं होगा. एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जो मैं डीपली पेनिट्रेट करके रखा हूँ और वी आर और यू कैन से इनसाइड जो मैं कर रहा हूँ, इंसीजन जो कर रहा हूँ अपने ही बॉडी पार्ट्स को, तो डेफिनेटली वो हवे में आ जाएगा. हवे में आ जाएगा इन द सेंस काइंड ऑफ वो सुपरफिशियली होते हुए चला जाएगा. तो सुपरफिशियली जहाँ पे जिम ज़्यादा आपको सुपरफिशियली मिलेगा, जहाँ पे एंड होगा डेफिनेटली द सजेस्ट की वहाँ से हमने अ काइंड ऑफ विदड्रॉवल ऑफ द वेपन फ्रॉम द बॉडी, सजेस्टिंग द डायरेक्शन इन विच द वुंड इज इन्फ्लेक्टेड. वुंड इज जनरली स्ट्रेट एंड शो द मैक्सिमम रिट्रैक्शन ऑफ द एज एट द सेंटर. ओके, सेंटरली ज़्यादा डेप्थ इसकी होती है. डिफेंस वुंड, कट थ्रोट इंजरी, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इनसाइड वुंड्स, और नॉर्मली जो मिसलेनियस जो वुंड है, नॉर्मली ये फोर टाइप हमारे इनसाइड उसके रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस वुंड हम देखते हैं, बाद में कट थ्रोट इंजरी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इनसाइड वुंड भी देखेंगे. ओके, और चॉप वुंड भी क्या होता है वो भी हम देखेंगे. तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी आप देख सकते हो, सॉरी डिफेंस वुंड आप देख सकते हो. नॉर्मली अपने आप को हम प्रिवेंट करने के लिए जो डिफेंस वुंड या फिर जो वुंड बॉडी पे आने वाला है दैट इज कॉल्ड द डिफेंस वुंड ड्यूरिंग द डिफेंसिंग टू आवर सेल्फ, अ काइंड ऑफ जो वुंड फॉर्म होने वाला है या फिर जो इनसाइड वुंड जो फॉर्म होने वाला है दैट कॉल्ड अ डिफेंस वुंड. ओके, देन देखिए कट थ्रोट इंजरी वगैरह, तो नो डाउट वी विल डिस्कस इन डिटेल. ये कट थ्रोट इंजरी है अ काइंड ऑफ जो शार्प पॉइंटेड जो वेपन से हमारे ज़्यादा ब्रॉडर जो वाला वेपन होगा ना, अगर उससे ये नॉर्मली जो कट थ्रोट इंजरी होते हैं जो चॉप वुंड होते हैं ये होमिसाइडली के लिए होमिसाइडली वे से होता है, और जो हमारा यू कैन से सेल्फ इन्फ्लेक्टिंग जो इंजरीज हैं और जो हमारे इनसाइड वुंड जो मल्टीपल इनसाइड वुंड हैं वो नॉर्मली हम सुसाइडली के थ्रू करते हैं. ओके, सेल्फ इन्फ्लेक्टिंग वुंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे. ओके, बॉडी के एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स में है, बॉडी सॉरी एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स पे आपको मल्टीपल लीनियर काइंड ऑफ जो वुंड जो दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड. ओके, आपको दिख रहा है क्लियर कट यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीपल लीनियर जो वुंड है हमारा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड. ओके, इन अदर वर्ड्स जो गैप वगैरह जो आपको दिख रहा है बिकॉज ऑफ विड्थ ऑफ द वुंड इज ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ द वेपन कॉजिंग. तो गैपिंग इज मोर इफ द इंसीजन इज एट अ राइट एंगल टू द लाइन ऑफ द क्लेवेज. ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि नो ब्रूजिंग ऑफ द मार्जिन, ब्लड वेसल्स आर क्लीनली कट नॉट क्रश एट इस एज इन लैसरेशन. तो लैसरेशन है बहुत ही सीवियर यू कैन से कटिंग वगैरह होती है, बहुत ही सीवियर टॉर्निंग यू कैन से टीयरिंग वगैरह होती है मसल की, बट डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड रूंस में सुपरफिशियली है ये हमारी इंजरी. स्टार्टिंग में इसकी डेप्थ वगैरह ज़्यादा होती है, डीपनेस ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, अदरवाइज सुपरफिशियल इंजरीज हैं. बहुत ही रेयर चांस है कि कोई नर्व वगैरह का डैमेज होता है,
सो नो ब्रूजिंग ऑफ द मार्जिन, जहाँ पे कट हुआ रहेगा रेयरली आपको ब्रूजिंग वगैरह फाइंड आउट होगा, बहुत ही रेयरली या फिर फेयरली ब्लीडिंग वगैरह बोल सकते हो. तो ब्लड वेसल्स आर क्लियरली कट नॉट क्रश एस इन लेसरेशन, इतना ज़्यादा डीपली इसका लेसरेशन वगैरह नहीं होता है. देन कॉसेस देखिए, बाय शार्प कटिंग वेपन लाइक नाइफ, स्काल्पल, रेजर ब्लेड जो हमारे रहते हैं, या फिर जो हमारे हाइयर जो यू कैन से अ काइंड ऑफ जो पॉइंटेड जो वेपन्स है, चॉपर, एक्स, स्वॉर्ड्स वगैरह जो रहते हैं, या फिर शार्प एज ऑफ मेटल वेसल्स, एग्रीकल्चर और मेटेलिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हैविंग शार्प एज, वो भी ये कॉज क्रिएट कर सकते हैं, इनसाइड वुंड क्रिएट कर सकते हैं. वेन द शार्प एज ऑफ अ कटिंग वेपन इज ड्रॉन ओवर द बॉडी सर्फेस, अ डीप इनसाइज वुंड इज प्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया. ओके, टेलिंग ऑफ वुंड नॉर्मली रहता है इसमें. तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मार्जिन जो होगी वो रेगुलर होगी, क्लीन कट डिफाइन इंजरी है हमारा ये, फ्री फ्रॉम कंट्यूजन वेन कॉज बाय अ लाइट शार्प कटिंग वेपन. ओके, अगर हाई शार्प कटिंग वेपन से होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगा तो इंटरनली जो हमारे स्किन है उसके नीचे भी ब्लीडिंग होती है, एंड दैट्स वहाँ पे कंट्यूजन, ब्रूज वगैरह आपको मिलेगा. बट अगर लाइट शार्प कटिंग वेपन हुई है, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कंट्यूजन वगैरह नहीं होगा, फ्री फ्रॉम कंट्यूजन होता है. लेंथ देखते हैं, डज नॉट बियर एनी रिलेशनशिप विद द लेंथ ऑफ द कटिंग एज ऑफ द वेपन. ओके, एंड जो हमारा डायरेक्शन एंड डेप्थ है वो हम डायरेक्शन सॉरी जो हमारा जो एंड है उसके थ्रू हम डायरेक्शन और वेपन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इनसाइड इंजरी प्रोड्यूस ड्रॉविंग आर डीपर एट द कमेंसमेंट. ओके, मैंने जैसे आपको बताया ड्यूरिंग द इनिशियल फेस ऑफ द इनसाइड वुंड्स आपको डीपर मिलेगा, अदरवाइज वो शैलोवर होता हुआ चले जाएगा, और बाद में टेलिंग हो जाती है. टेलिंग ऑफ वुंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑन विच द कट वॉज मेड. ओके, आफ्टर इफेक्ट देखे, इन डीप इनसाइज वुंड ड्यू टू द इंजरी ऑफ द वेसल्स, नर्व और मसल एंड टेंडन, बहुत ही रेयरली होता है कि कभी कभी ये सभी पूरे इंजर्ड होते हैं, अदरवाइज इतने सभी इंजर्ड नहीं होते. सुपरफिशियल अगर कट हुआ रहेगा तो डेफिनेटली हमारे जो तीन लेयर होती है स्किन की उसी को वो हैम्पर करता है. तो पैरालिसिस अगर ये सभी जो आप देख रहे हो वेसल्स, नर्व्स, मसल एंड टेंडन, अगर ये इनकी अगर इंसीजन होती है तो डेफिनेटली पैरालिसिस भी हो सकता है, वास्टिंग, डिफॉर्मिटी ऑफ और यू कैन से लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द लिम मे हैपन. हेयर एंड हेयर बल्ब क्लीनली कट हो जाते हैं अगर बॉडी के एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स में, या फिर हेयर यू कैन से जो हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे फोर लिम और हैंड लिम में, डेफिनेटली सॉरी जो हमारे फोर काइंड ऑफ अपर लिम एंड जो हमारे लोअर लिम है, अगर इसके ऊपर जो बॉडी जो हेयर होते हैं, अगर उस पर्टिकुलर जहाँ पे हेयर है और काइंड ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम में किया होगा, तो डेफिनेटली जो हेयर है और हेयर बल्ब है उनकी भी क्लीनली कटिंग हो जाती है ड्यूरिंग दिस इनसाइड वुंड. तो आपको प्रोफ्यूज हिमरेज वगैरह भी देखने को मिल सकता है. आई एम अगेन सेइंग कि प्रोफ्यूज और यू कैन से जो हिमरेज हो रहा है या फिर जो ब्लीडिंग हो रहा है या फिर इंजरी जो हो रही है मसल की, नर्व की, या फिर मसल टेंडन वगैरह की, ये अगर हाई फोर्स के थ्रू अगर हम इनसाइड वुंड करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको दिखाई देगा. बट सुसाइडली आपको रेयर देखने को मिलेगा. क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एनी वन नॉट वॉन्ट्स टू किल इन बाय अ सिंगल इंजरी. ओके, एंड दैट्स वाई मल्टीपल टाइम हम अटैक करते हैं एंड स्टिल वी विल वी सेव, बिकॉज हम अपने आप को काइंड ऑफ यू कैन से वी कांट इंजर टू आवर सेल्फ बाय आवर. ओके, यानी वी कांट यू कैन से जो मल्टीपल जो इंसाइड वुंड है ना, हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं. एक ही इंजरी में या फिर एक ही इंसाइड वुंड में अगर हम अपने आप को किल करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वी कांट डू दैट, एंड दैट्स वाई मल्टीपल इंसाइड वुंड होता है और वो सुपरफिशियली होता है, इतना डीपली भी नहीं होता है. एंड अगर प्रॉपरली अगर उसको यू कैन से एक्सेसिव एक्सेस हो गया वो पर्टिकुलर बंदा या फिर जो पर्सन है, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव भी हो सकते हैं. तो हिमरेज वगैरह आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा. अगर होमोसाइडली अगर किसी को किसी या फिर बाय एनी पर्सन अगर वो काइंड ऑफ इनसाइड वुंड अगर फॉर्म होता है, तो डेफिनेटली आपको सीवियर ब्लीडिंग या फिर ये सभी जो पैरालिसिस, वास्टिंग, डिफॉर्मिटी वगैरह जो हो रहा है या फिर लॉस ऑफ फंक्शन जो हो रहा है ये हो सकता है. ओके, एज डिटरमिनेशन ऑफ इनसाइड वुंड देखते हैं. 8 to 12 आवर में जब इनसाइड वुंड जो होगा रेड एंड स्वेलेड टेंडर रहता है. 2 to 3 डेज में डिस्चार्ज में कंटिन्यू टू ऊज आउट. ओके, एंड इन बिटवीन द 5 to 6 डे आफ्टर द इनसाइड वुंड हैज बीन फॉर्म टिश्यू फिल अप द गैप बिटवीन द मार्जिन. ओके, एंड ये कैसे रिपेयरिंग एंड हीलिंग होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में आई विल मेंशन यू. ओके, 10 to 12 डेज में आफ्टर इनसाइड वुंड्स तो डेफिनेटली स्किन विल बी ब्रिज ओवर द मार्जिन एंड हीलिंग विल बी कंप्लीट. तो हीलिंग कंप्लीट होता है आफ्टर द 10 to 12 डेज. ओके, ऑफ द इनसाइड वुंड्स तो रिपेयर इन हीलिंग देखते हैं. ये देखिए मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं, बाद में हीलिंग वो देखेंगे. तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस देखिए, गिव एन आइडिया ऑफ अबाउट अ नेचर ऑफ वेपन. टेलिंग ऑफ वुंड नॉर्मली हमारा वेपन कौन सा यूज़ किया ये हमें आइडेंटिफाई कर सकता है. लास्ट पार्ट ऑफ द इनसाइड वुंड हम टेलिंग ऑफ द वुंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, इंडिकेट टेलिंग ऑफ द वुंड इंडिकेट्स
the use of light sharp cutting weapon or sharp cutting weapon. Telling of wound again the indicate the relative position of the victim and the assailants or the accused. Presence of the hesitation or defense wound will indicate whether the wound is suicidal or homicidal. The defense wound along with that multiple incisions या फिर along with that incisions wound definitely that suggests कि ये homicidally हुआ है. Okay, यानी कि किसी के थ्रू ये अटैक हुआ है. Incised wounds may be suicidal, may be homicidal or may be accidental in nature. Okay, that is not fixed. Normally suicidally ये ज़्यादा use होता है, homicidal भी इतना possible नहीं है, but definitely accidental ये बहुत ही कम possible है. चिल्ड्रंस वगैरह में एक्सीडेंटली होता है. रिपेयर इन हीलिंग विथ वेरी लिटिल डैमेज टू टिश्यू ऑन अदर साइड ऑफ द कट. हीलिंग अगर विदाउट डिले. स्मॉल ब्लड वेसल्स विच आर कट गेट ऑक्लूडेड बाय थ्रोम्बोसिस. ओके एंड फाइब्रिन प्रेसिपिटेटेड लोकली विल देन लिंक द टू एजेस. जो एजेस जो सेपरेट हुई है हमारे स्किन की वो फाइब्रिन क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है, उसको ज्वाइन कर देता है. ओके बाय कोगुलेटेड ब्लड ऑन द सर्फेस एंड दिस कोगुलेटेड ब्लड ऑन द सर्फेस फॉर्म द स्कैब एंड हेल्प द सॉरी एंड and helps to clean, helps to keep the wound clean. Okay, जो scab आपको form होने वाला है, जो आपके injury जो area है, जो injured area है, उसके ऊपर आपको एक layer दिखा जाता है, that is called as a scab. Okay, stab अलग, scab अलग. तो stab wound है और scab ये क्या है हमारा, ये protective covering है. तो protective covering कहाँ पर आ रहा है, जो coagulated blood है ना वही ultimately that covers the our wound and ultimately that protects from the cleaning और इसके अंदर बहुत सारे infection वगैरह से वो prevent करता है. ओके दिस अकर विदिन 12 to 24 आवर. रिपेयरिंग हीलिंग 20 to 24 आवर में कम्प्लीट होती है. ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज कैपिलरी प्रोलीफरेट टू ब्रिज द गैप एंड फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट द कोलेजन. इन 3 to 5 डेज वेसल आर थिकन एंड मेनी ऑफ देम गेट ऑब्लिटेटेड. जो भी कुछ वेसल की जो रप्चर हुई रहती है वो भी धीरे धीरे उनका रिपेयरिंग वगैरह स्टार्ट होता है. अलॉन्ग विद डैट जो हमारे स्किन के जो एजेस है वो जो कट हुई रहती है उनकी भी रिपेयरिंग चलती है एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमारा वेसल्स है उसकी भी रिपेयरिंग चलती है. तो वेसल गेट ऑबलेटेटेड इन बिटवीन यू कैन से इन 3 to 5 डेज एंड जो हमारा 12 to 24 आवर या फिर 24 to 48 आवर में जो स्किन की जो टू एजेस होती है ना वो भी ऑटोमेटिकली यू कैन से रिपेयर हो जाती है. ओके तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंट देखिए. द लेंथ वेथ एंड डेप्थ ऑफ एन इंसाइज वुंड्स यूजुअली नॉट करस्पॉन्ड टू द लेंथ थिकनेस और यू कैन से विथ ऑफ द कटिंग ऑब्जेक्ट. ओके लेंथ वेथ एंड डेप्थ ऑफ इंसाइज वुंड्स यूजुअली नॉट करस्पॉन्ड टू द लेंथ थिकनेस और विथ ऑफ द कटिंग ऑब्जेक्ट. टेलिंग गिव एन आइडिया और इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यू कैन से मूवमेंट ऑफ द कटिंग है जैसे मैंने आपको बताया. विच इज फॉलो स्कार फॉर्मेशन. ये देखिए दिस इज यूजुअली कंप्लीट व्हेन द फॉलो स्कार फॉर्मेशन. तो दिस इज यूजुअली कंप्लीट बाय अबाउट 6 डे द स्कैब ओवर द वुंड देन फॉल ऑफ. ओके जो भी कुछ स्कैब जो फॉर्म हुआ रहता है जो भी कुछ प्रोटेक्टिव जो लेयर है जो फॉर्म हुआ रहता है दैट विल फॉल ऑफ आफ्टर 6 डे लिविंग बिहाइंड अ सॉफ्ट टेंडर रेडिश स्कार विच इज अ कोर्स ऑफ वीक और मंथ बिकम व्हाइटिश एंड फॉर्म. ओके तो स्कार क्रिएट वो बिहाइंड करके जाता है लीव करके जाता है इन बिटवीन द मंथ आफ्टर द मंथ और यू कैन से 2 मंथ दैट इज ऑटोमेटिकली व्हाइट वगैरह वो टर्न में जाता दैट पर्टिकुलर एरिया दैट गेट टर्न इन टू द व्हाइट एंड डेफिनेटली वो स्किन जो हमारी होती है जो स्किन का जो कलर है दैट गेन बाय आफ्टर 2 to 3 मंथ. ओके इन्फेक्शन कैन हाउ एवर डिले दिस हीलिंग प्रोसेस एंड दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई द एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट क्रीम अगेन एंड अगेन ऑन दैट पर्टिकुलर वुंड. ओके सुसाइडल इंसाइड जो हमारे वुंड्स हैं दैट ट्राइंग टू इंसाइज ऑन इट्स ओन ऑन एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज अ यू कैन से ये देखिए सुसाइडल इंसाइज वुंड्स. ओके तो सुसाइडल इंसाइज वुंड्स नॉर्मली ये बॉडी के एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स होता है. आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है अपने आप से खुद ये क्या कर रहा है एक इंसाइज वुंड्स क्रिएट कर रहा है. तो बॉडी के एक्सेसिबल पार्ट्स पे जहाँ पे उसके हैंड्स नॉर्मली पहुँचेगा उसी पर्टिकुलर साइड पे क्या करेगा अपने आप को कट करेगा. तो ट्राइंग टू इंसाइज ऑन इट्स ओन ऑन एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज सुसाइडल इंसाइज वुंड्स. ओके ये देख सकते हो सुसाइडल रिस्ट इंजरी दैट इज कम अंडर अगेन इन सुसाइडल इंसाइज वुंड्स. सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड जो हमारे हैं अगेन यू कैन सी हियर. तो सुसाइडल इंसाइज वुंड्स सिचुएशन एंड डायरेक्शन देखिए ऑलवेज प्रेजेंट ओवर द फॉर्मेट और यू कैन से एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रंट नेक फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द और यू कैन से रिस्टर एल्बो जॉइंट ग्रोइन एरिया जो है हमारा चेस्ट का रीजन जो है एब्डोमेन का रीजन जो है दिस आर द यू कैन से एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यहाँ पे बॉडी इस पर्टिकुलर साइड्स पे या फिर इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे अपने आप को खुद क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन इंजर्ड करता है एक इंसाइज वुंड फॉर्म करता है. ओके तो ओकेजनली ऑन द चेस्ट और बैक ऑफ द लेग ओवर रेडल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म. ओके इंजरी इवन द चेस्ट यूजुअली सिचुएटेड ओवर द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड डायरेक्टली एंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. ओके तो अभी जो सुसाइडल जो इंसाइज वुंड से वो नॉर्मली आपको दिखाई कैसे देगा
तो आप देख सकते हो इनिशियली विल बी डीप एंड जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे या फिर जैसे जैसे टेलिंग होगी वो पर्टिकुलर वेपन की तो वो सुपरफिशियली ऊपर आता हुआ चला जाएगा। तो इनिशियली विल बी डीप, ओके आप देख सकते हो क्लियर कट इनिशियली विल बी डीप, तो हमारा वेपन ऐसे कुछ फॉरवर्ड होने वाला है, ओके तो इनिशियली विल बी डीप एंड आफ्टर दैट यहाँ पे टेलिंग हो जाती है, तो इनिशियली इट इज डीपर एंड लेटर डेप्थ डिक्रीज हो जाती है, ओके इन आवर सुसाइडल इनसाइड जोन। तो मल्टीपल इनसाइड जोन अगेन यू कैन सी हियर ड्यूरिंग द सुसाइडली वगैरह ये मल्टीपल इनसाइड जोन है, तो आप देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे मसल थोड़ा सा टीयर्ड हुआ है और जो वेसल्स हैं अंडरनीथ दिस स्किन डेफिनेटली वो भी थोड़े बहुत यहाँ पे रप्चर्ड हुए एंड दैट्स व्हाई लिटिल बिट ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पे हो रहा है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके तो मल्टीपल इनसाइड जोन्स डेफिनेटली ये सुसाइडली को इंडिकेट करता है। अपर लिम कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड आर यूजली डायरेक्टेड फ्रॉम डाउनवर्ड अबो, दीज आर द कॉमनली साइड्स ऑफ द यू कैन से सुसाइडल इनसाइड जोन, तो लोअर लिम मोस्टली ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द यू कैन से आर्किटेक्टेड फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। सुसाइडल इंजरी आर माइनर सुपरफिशियल एंड लेस डीप एट द बिगिनिंग बट पेटल थ्रस्ट आर ऑलवेज डीप एंड पेनिट्रेटिंग, ओके तो अगर नॉर्मली सुसाइडली जो होता है ये माइनर होता है सुपरफिशियल होता है बट डेफिनेटली इट मे फैटल इट मे यू कैन से डीप वेन द पर्सन इज नॉट यू कैन से नॉट having that much sensorium, okay, well sensorium, definitely वो deep वगैरह injury भी कर सकते हैं अपने आप को, ओके कट थ्रोट इंजरी देखते हैं। कट थ्रोट इंजरी नॉर्मली होमिसाइडली वे से होता है, ओके इन होमिसाइडली हैवी शार्प कटिंग वेपन लाइक नाइफ एक्स शॉर्ट्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं होमिसाइडली के लिए या फिर कट थ्रोट इंजरी के लिए नॉर्मली यूज होता है। तो कट थ्रोट इंजरी में आप देख सकते हो कट थ्रोट थ्रोट मतलब नेक का रीजन, तो कट थ्रोट रीजन मतलब अ काइंड ऑफ इकन से मतलब जो हमारा वेपन है ना अगेन यहाँ पे सिंगल एज वेपन है हमारा पॉइंटेड वेपन है और यू कैन से अ काइंड ऑफ शार्प वेपन है, ओके तो शार्प पॉइंटेड एंड सिंगल एज वेपन जो है हमारा दैट विल कॉज अगेन हियर अ काइंड ऑफ अ कट थ्रोट इंजरी, बट डेफिनेटली ये अपने आप को कोई भी पर्सन नहीं करेगा कट थ्रोट इंजरी, ये होमोसाइडली हमारे कैटेगरी में आएगा, ओके तो कट थ्रोट इंजरी होमोसाइडली में आता है नॉर्मली, आप देख सकते हो हैवी शार्प कटिंग वेपन लाइक नाइफ वगैरह से इसका हम किसी को कट थ्रोट इंजरी करते हैं, तो यूजुअली फाउंड ओवर द बोथ साइड ऑफ द फॉर्मेट एंड लोअर हाफ ऑफ द नेक, ओके तो फॉर्मेट मतलब यू कैन से अ काइंड ऑफ एक्सेसिबल जो पार्ट्स है वहाँ पे भी अवेलेबल हो सकता है ये, तो नॉर्मली कट थ्रोट इंजरी ये अ काइंड ऑफ यू कैन से सुसाइडली तो बहुत ही रेयर है और जो हमारा ये होमिसाइडली होता है तो फॉर्मेट यानी एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स भी हो सकता है बट यू विल नॉट कन्फ्यूज विद द एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स तो सुसाइडली में ही होता है, ओके दैट इज नॉट क्राइटेरिया। तो बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज ये साइट होता है हमारा फॉर द कट थ्रोट इंजरी, ओके तो कैन बी सीन एट एनी लेवल और एनी साइड ऑफ द नेक, तो विक्टिम में शो ड्राइज ब्लड स्टेन ऑन हिज पाम इन एन एफर्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ओके एंड वेपन विल नेवर फाउंड फर्मली ग्रास इन हैंड फ्रॉम अ कैडेवरिक स्पैज्म, तो वेपन्स आपको हैंड में नहीं मिलेगा क्योंकि होमिसाइडली होता है और होमिसाइडली जब कोई वेपन से हम अपने आप को खुद किल करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लेंच्ड हैंड में वो वेपन मिलेगा, यू विल गेट अ वेपन इन क्लेंच्ड हैंड और कैडेवरिक स्पैज्म हो जाती है उस पर्टिकुलर हैंड की, ओके एंड दैट्स वाई यू विल गेट दैट वेपन इन टू द यू कैन से पर्सन के हैंड में मिलेगा, बट डेफिनेटली जब पर्सन की डेथ हो जाएगी डेथ होने के बाद अगर कोई वेपन अगर हैंड में रखेंगे हम तो डेफिनेटली वो क्लेंच हैंड में नहीं रहेगा, एज वी रिमूव द हैंड एज वी होल्ड द पर्सन हैंड डेफिनेटली वो वेपन फॉल ऑफ हो जाता है, तो क्लेंच हैंड से वेपन फॉल होना ये मतलब इतना मामूली बात नहीं है, इतना ईजी नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली अगर पोस्टमार्टम या फिर यू कैन से आफ्टर डेथ अगर किसी के हैंड में अगर वेपन रखा हुआ है सुसाइडली उसको कंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली दैट वेपन विल नॉट बी दैट मच स्ट्रांगली होल्ड ओके बाय दैट पर्सन, तो वेपन विल नेवर फाउंड फॉर्मली ग्रास्प इन हैंड बाय फ्रॉम अ कैडेवरिक स्पैज्म, ओके होमिसाइडली आर मोर फ्रिक्वेंट दैन सुसाइडल, जैसे मैंने आपको बताया इनसाइड डोंट आप देख सकते हो बहुत ही डीप कट होता है हमारा ये इनसाइड डोंट से बट डीप कट है, तो डीप कट में हमारे कट थ्रोट इंजरी और चॉप डोंट आता है, तो कट थ्रोट इंजरी हमारा देखिए सुसाइडली अगर आप देखेंगे तो लाइट शार्प कटिंग वेपन लाइक नाइफ वगैरह से हम क्रिएट करते हैं। कॉमन शोर ऑफ इलेक्शन इज अपर साइड और पार्ट ऑफ द नेक अबो द लेवल ऑफ एडम्स एप्पल, नॉर्मली हमारा ये साइट है बिलो द एडम एप्पल और डीप इंजरी दैट इज ड्यू टू द इन आवर होमिसाइडल, तो हेजिटेशन कट आर प्रेजेंट हियर, ओके हेजिटेशन कट मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से जो हम ट्राई कर रहे हैं मल्टीपल कट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। वेपन इज ऑफन पाउंड टाइटली हेल्ड इन विक्टिम्स हैंड, जैसे मैंने आपको बताया रेट एंड अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड विल डिटरमाइन हिज पीरियड ऑफ सर्वाइवल, ओके द पर्सन विल सर्वाइव और नॉट दैट डिपेंड ऑन द लॉस ऑफ ब्लड हाउ मच और हाउ क्वांटिटी ऑफ द ब्लड गेट लॉस,
absence of struggle and resistance, or you can say resistance marks or struggle wound, or you can say struggle and resistance mark, you will not found in suicidal cutthroat injury. Okay, or when the struggle and resistance marks आपको नहीं मिलेगा, definitely suggest किया suicidal cutthroat injury है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ अदर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, सुसाइडल नोट वगैरह भी मिल सकता है, देन डेफिनेटली ये सुसाइडल जो कट थ्रोट इंजरी है वो उसको क्या करेगा, उसके टूवर्ड्स ये इंडिकेट करेगा. तो हमारा जो थर्ड वन है एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ चॉप डून. तो चॉप डून मतलब एक आप बोल सकते हो कि डीपेस्ट फॉर्म ऑफ अवर कट थ्रोट इंजरी. तो होमिसाइडली अगेन ये होता है अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड्स एक्स वगैरह से काटने से ये काइंड ऑफ होता है. तो अगेन होमिसाइडली होता है मतलब किसी ने किसी पर्सन ने रिवेंज वगैरह लेने के लिए, या फिर किसी पर्सन ने एंगर कंडीशन में, या और यू कैन से अ काइंड ऑफ किसी भी एंजाइटी वगैरह कंडीशन में डेफिनेटली किसी को किल कर सकता है बाय दिस चॉप डून, बाय क्रिएटिंग अ चॉप डून. तो चॉप डून बहुत ही डीपेस्ट हमारा इंजरी होता है. ओके, जहाँ पे पर्सन इमीडिएटली किल हो जाती है, पर्सन इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है. चॉप डून इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ अवर यू कैन से अवर कट थ्रोट इंजरी. ओके, एक्स स्वॉर्ड्स वगैरह से ये होता है. तो चॉप डून दे आर डीप गैपिंग वूंड्स प्रोड्यूस बाय फेयरली हार्डी वेपन लाइक बिग स्वॉर्ड्स एंड एक्स एंड चॉपर सीटीसी. द मार्जिन आर मॉडरेटली शार्प एंड एजेस मे शो एब्रेजन एंड ब्रूजिंग विथ मार्क्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ओके, यहाँ पे ब्रूजिंग वगैरह भी मिलेगा, एब्रेजन मिलेगा, बिकॉज यू कैन से अ काइंड ऑफ बहुत ही डीप इंजरी होने वाली है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा जो नेक का जो रीजन है ना वो पूरा निकल जाता है, मतलब हेड विल भी अलग एंड योर ट्रंक विल भी अलग. ओके, तो कभी कभी इतना भी होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है हमारा हेड और ट्रंक के बीच में. ओके, तो सीवियर फॉर्म यू कैन से ये वुंड है, बहुत ही डीपेस्ट वुंड है हमारा. यू कैन से फर्दर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो आप कट थ्रोट इंजरी का, बट डेफिनेटली कट थ्रोट इंजरी में पर्सन सर्वाइव हो सकता है अगर हम उसको इमीडिएटली अगर सर्वाइव करेंगे तो, बट डेफिनेटली चॉप वुंड में वी विल नॉट वी कांट सेव द पर्सन. ओके, तो मार्जिन एंड मॉडरेटली शार्प एज मे शो एब्रेजन एंड ब्रूजिंग विद मार्क डिस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइन टिश्यू एंड ऑर्गन. ओके,